यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे पीएम मोदी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कहा, यह भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके बनने से रोजगार के 1 लाख अवसर पैदा होंगे। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा यूपी। यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी होंगे शामिल। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुई। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की, लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रीट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इनकलाब का आगाज। सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में होगी रैली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज यूपी दौरा। जौनपुर में आज दोपहर जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, हैदराबाद से आकर ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। ओवैसी के शाहीनबाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीनबाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। यूपी के प्रयागराज में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेघालय में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का फैसला वापस ले केंद्र। संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं। बंगाल के बकाए का भी करें भुगतान। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन करने का न्योता दिया। ममता ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर आमने सामने ममता और बिप्लव सरकार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीएम बिप्लव देव के ओएसडी को नोटिस जारी कर 25 नवंबर से पहले पेश होने को कहा। सीमा विवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। त्रिपुरा में आज हो रहे 200 सीटों के स्थानीय चुनाव से पहले ही हिंसा का दौर शुरू हो गया है। वार्ड 5 से टीएमसी कैंडिडेट श्यामल पाल के घर पर हुआ हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अगले हफ्ते मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा करेंगे।
अमृतसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल के ऐलान पर पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लाएगी, दिल्ली आत्मनिर्भर राज्य है लेकिन पंजाब पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बड़ा बयान, कहा राज्य में केबल माफिया का राज खत्म करेंगे, केबल ऑपरेटर्स ने कहा सीएम चन्नी का बयान रोजगार खत्म करने वाला। पंजाब के मोहाली में 5 महीने से धरने पर बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर धरना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी ढेर, मारे गए टीआरएफ कमांडर मेहरान और बासित आम लोगों की हत्या में शामिल थे। नशे के जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर, एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी एनडीडीटीसी के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा मैं चंडीगढ़ में हूं, कोर्ट के आदेश के बाद पेश होऊंगा, परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सूत्रों के मुताबिक परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। मुंबई के रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान का मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप, कहा परमबीर ने आतंकियों की भी मदद की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरकारी अफसर के घर पर छापे में टॉयलेट के पाइप से मिले 54 लाख के नोटों की गड्डी, काली कमाई छिपाने के लिए फर्जी पाइप लगाया गया था। लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है आरोपी। एमपी के खरगोन में धर्मांतरण का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। देश में एक दिन में कोरोना के 9,283 नए केस सामने आए, 437 लोगों की मौत, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,18 करोड़ के पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग, कहा कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की, कहा इसमें 25% पंजाब सरकार देगी। भारत बायोटेक के टीके के कोवैक्सीन का पहला रियल वर्ल्ड डेटा आया सामने, कोवैक्सीन 50% प्रभावी, रियल वर्ल्ड स्टडी दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई थी। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले शराब पर रोक हटनी चाहिए, इस कानून की वजह से छात्रों को हो रही है जेल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूरी वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को शराब पर मिलेगी 10% की छूट, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। रेलवे ने राजधानी शताब्दी दुरंतो वंदे भारत एक्सप्रेस तेजस और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में फिर से खाना मिलना शुरू होगा, कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी फूड सर्विस। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालत अभी भी गंभीर, आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड किया गया जबकि आनंद विहार पर 491 है। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर, प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने खोलने का फैसला लिया। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों ने भी की हड़ताल, हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ, नर्सों के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। नॉर्थ एमसीडी ने केजरीवाल सरकार पर फोड़ा चीकरा, कहा दिल्ली सरकार ने बजट में कटौती की, अभी 442 करोड़ की किश्त भी नहीं मिली जिससे सैलरी देने में देरी हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डॉक्टरों को वेतन न मिलने के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, कहा एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है।
यूपी के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया, वीडियो हुआ वायरल। एनसीबी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी, आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल, क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन बेला, सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर शुरू होगा कार्यक्रम, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह होंगे शामिल। सेना के दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी, तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर, मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून होंगे वापस, सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बोले, किसानों की जीत और पीएम मोदी की हार हुई है, अब एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। अब एमएसपी गारंटी कानून लाने और 700 मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े किसान, राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। पंजाब के मुक्तसर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली के प्रदर्शन में होगा शामिल। हरियाणा के सोनीपत से भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए चले किसान, कल किसान आंदोलन का एक साल हो रहा है, पूरा संयुक्त मोर्चा ने किसानों से दिल्ली सीमा पर आने की अपील की है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी, राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में होंगे शामिल। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान, बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा किसानों को खाद, बिस्कुमान के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी कतार। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, इस साल 55 अरब डॉलर बढ़ी अडानी की संपत्ति। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।